हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो पे मैं आप लोगों को MobiQuick के अकाउंट को परमानेंटली कैसे डिलीट किया जाता है इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप भी अपने MobiQuick एप्लीकेशन को या अकाउंट को यूज नहीं करते हो और आप चाहते हो करके कि आपका अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना, तो कैसे आप लोग कर सकते हैं अपने MobiQuick एप्लीकेशन से परमानेंटली अकाउंट को डिलीट, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना MobiQuick एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हमारा जो अकाउंट का बैलेंस दिखा रहा है MobiQuick में वो है 0.70 पैसा। तो यहाँ पर 70 पैसा जो है हमारा वॉलेट में यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो मैं इस अकाउंट को जो है परमानेंटली डिलीट करना चाहता हूँ। डिलीट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जब भी आप यहाँ पर परमानेंटली अपने अकाउंट को डिलीट करेंगे तो उससे पहले जो है आपका जो बैंक अकाउंट जो भी आपने यहाँ पर ऐड किया है, जो भी UPI ID को ऐड किया है, तो उसको यहाँ से आप लोग रिमूव कर लीजिएगा। चाहे आपका बैंक अकाउंट हो या UPI ID हो, उसको यहाँ से रिमूव या डिलीट कर लीजिएगा। रिमूव या डिलीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रोफाइल आइकॉन दिखेगा सर्कल बना हुआ ऊपर में, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा। अकाउंट वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पर आप लोगों को कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर दिखेगा आपको सेव्ड कार्ड, तो सेव्ड कार्ड वाले ऑप्शन पर आपको आपका जो बैंक अकाउंट है वो देखने को मिल जाएगा। मेरे केस में मैं यहाँ पर अपना जो बैंक अकाउंट है उसको रिमूव कर चुका हूँ पहले से, तो मैं यहाँ पर आपको बता नहीं सकता, लेकिन आप लोग यहीं पर आप लोगों का जो बैंक अकाउंट है वो देखने को मिल जाएगा। चाहे आपका एक अकाउंट बैंक अकाउंट हो या दो बैंक अकाउंट हो, यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहां से आप लोग अपना रिमूव कर लीजिएगा या डिलीट कर लीजिएगा, और जो भी आपका UPI ID है वो भी यहां से हट जाएगा उसके बाद। तो ये सब कर लेने के बाद आपको वापस होम पेज पे आ जाना है। अब आपको अपना अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना है, तो उसके लिए यहां पर आपको देख सकते हैं ऊपर एक प्रोफाइल आइकन दिखेगा, फिर से आपको सर्कल बना हुआ उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहां पर हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन, तो हेल्प एंड सपोर्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है सीधा सा। उसके बाद यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको तीसरे नंबर पर देखने को मिल जाएगा माई अकाउंट एंड KYC वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर माई अकाउंट एंड KYC वाले ऑप्शन पे जैसे आप लोग क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर कई सारे ऑप्शन फिर ओपन हो जाएंगे। आपको यहाँ पर चौथे या पाँचवें नंबर पर देखने को मिल जाएगा अकाउंट डीएक्टिवेशन का ऑप्शन, तो यहाँ पर अकाउंट डीएक्टिवेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए चैट बॉक्स ओपन हो चुका है, और यहाँ पर इनके तरफ से रिप्लाई में आया है डिलीट क्लोज माई अकाउंट विथ MobiQuick, तो इसको आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट करना है आपको, डिलीट क्लोज माई अकाउंट विथ MobiQuick, इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं करके कि इनके तरफ से रिप्लाई आया है कि यहाँ पर करंटली देयर इज ए नो ऑप्शन टू डिलीट योर अकाउंट विथ MobiQuick। तो यहाँ पर ये बोल रहा है करके कि जो आप लोगों का अकाउंट है तो वो डिलीट करने का कोई भी ऑप्शन आपको MobiQuick एप्लीकेशन पे नहीं मिलता है, तो इसे आप लोग डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन मैं आज एक प्रोसेस आपको बता रहा हूँ, इस प्रोसेस को अगर आप लोग फॉलो करते हो तो आप लोगों का जो अकाउंट है वो 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटे के अंदर डिलीट हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर क्या करना है, देख सकते हैं यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है फिर से आपको, यस थैंक्स और नो का ऑप्शन। तो यहाँ पर डिड द सॉल्यूशन रिसॉल्व योर क्वेरी, तो यहाँ पर यस और नो का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो आप लोग नो पे क्लिक कर दीजिएगा। नो पे आप लोग जैसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद एक मैसेज आप लोगों को टाइप करना है। वो मैसेज क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मैसेज टाइप कर लिया, हेलो सर प्लीज़ माई MobiQuick अकाउंट डिलीट परमानेंटली। तो ये मैसेज इसलिए टाइप करना पड़ रहा है करके कि हमें यहाँ पर रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है कि हमारा जो MobiQuick अकाउंट है उसको परमानेंटली डिलीट कर दिया जाए। तो इसको टाइप कर लेने के बाद आप लोग यहाँ पर इसे सेंड पे क्लिक कर देना है आपको। तो यहाँ पर देखिए एक एरो बना हुआ है, इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर देखिए एक टिकट ID आपको देखने को मिल रहा है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकते हैं या तो इसे कहीं कोड को सेव करके आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है करके योर इशू हैज़ बीन रजिस्टर्ड विथ अस ए टिपिकली गेट बैक 24 आवर्स, तो ये बोल रहा है कि 24 आवर्स के अंदर आपका जो अकाउंट है वो परमानेंटली डिलीट कर दिया जाएगा, और जो भी आपका यहाँ पर क्वेरी है या जो भी आपका क्वेश्चन है वो सॉल्व कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर अपना MobiQuick अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं, और इस MobiQuick अकाउंट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको डिलीट करने में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। साथ में चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।